मैंने और सामने अपना ये मूवी लगा लिया बोल बच्चन। बाकी यहाँ पर नेविगेशन भी लगा रखी है, पाकिस्तान के ऊपर कहीं उड़ रहे हैं अभी। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अमन सिंह एंड यू आर वाचिंग एट अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम जबरदस्त, और फिलहाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के एक और बड़े एपिसोड में। और अभी फिलहाल मैं हूं एकदम रेडी, मैं जा रहा हूं यहां से सीधा एयरपोर्ट, क्योंकि टाइटल थंबनेल वगैरह आपने देख लिया होगा। जी हाँ, मैं जा रहा हूं दुबई, एक और नई सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, और इस बार इंटरनेशनल सीरीज, तो बहुत मजा आने वाला है और जरूर सारी वीडियोस देखना। बाकी अभी मेरा बैग यहाँ पर रेडी है और मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी फटाफट निकलते हैं और आपको सीधा एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। तो गाइज, मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बैगेज वगैरह चेकिंग सब हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जो ड्यूटी फ्री है, सामने काउंटर है, तो वहाँ जाता हूँ अभी और देखता हूँ क्या सीन है। ड्यूटी फ्री में काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ वैसे, और एक बार जाके चेक करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी काफ़ी सीमलेस प्रोसेस था, मुझे लगा था इमिग्रेशन में कितना टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी काउंटर्स थे और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी, तो फटाफट से निपटाया और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो अब आपको एक बार ड्यूटी फ्री दिखाता हूँ। तो गाइज़, ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, मतलब अल्कोहल हो गया, परफ्यूम्स हो गए। बाकी मैं अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, देखता हूँ कुछ अच्छा मिलता है तो। और काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है यहाँ पर आगे ना, देखो डियोर वगैरह, जिवांची, सारा कुछ यहाँ पर है, तो थोड़ा सा इसको देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइज़, अभी अभी ड्यूटी फ्री से बाहर निकला हूँ, और क्या शानदार नज़ारा यहाँ पर मुझे मिल रहा है। यहाँ पर एक ये एयरलाइंस है आगे, और आगे इतना स्मॉग हो रखा है ना, वहाँ पर एक एयरलाइन अभी मतलब एयरक्राफ्ट मुड़ रहा था, तो इतना ज़्यादा कम विजिबिलिटी है ना वहाँ पर तो बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पर। ड्यूटी फ्री में तो कुछ समझ नहीं आया था, तो अब मैं आगे कुछ खाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब वहाँ से तो फ्री हो गए, लेकिन अभी भी 1-2 घंटे हैं फ्लाइट में, तो कुछ खा लेते हैं पहले। तो गाइज़, अभी ये फूड कोर्ट में आए हैं और देख रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए। मेरे को तो मैगडी से ही लग रहा है, मैगडी से कुछ ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि नींद काफ़ी आ रही है, कल रात को मैं सो नहीं पाया ठीक से। तो गाइज, बढ़िया खा पी के निकले, और निकलते ये दिखा यहाँ पर, क्या बढ़िया लग रही है ये रॉयल एनफील्ड, और पूरा यहाँ पर ग्राफिक्स मतलब उस तरीके का मतलब डिज़ाइन बना हुआ है पूरा, नीचे कैंस वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट के पास ही, और देख रहा था ये साइड में शॉप्स वगैरह। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरी 9:45 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट है 10:30 बजे की, और सीधा यहाँ से दुबई 3 hours 55 minutes कुछ फ्लाइंग टाइम रहेगा, और अंदर भी फूड इंक्लूडेड ही है, तो मुझे अभी मैंने देखा तो मुझे पता लगा यहाँ पर। अच्छा हुआ लाइट ही खाली है इसलिए, तो आगे चलते हैं और फ्लाइट के गेट के पास ही बैठते हैं। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं सीधा फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइज़, अभी मैं एयरक्राफ्ट के अंदर आके बैठ चुका हूँ, और ये कुछ व्यू है बाहर से, मतलब विंग का ही व्यू है, और पीछे यहाँ से दिख सकता है। बाकी एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं मुझे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि ये तो हेडसेट है नॉर्मल एमिरेट्स के, और ये जो है एक ब्लैंकेट मिला है, और ये एक तकिया मिला है छोटा सा यूज़ करने के लिए। बाकी यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है काफ़ी अच्छी, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब कैमरा वगैरह हो गया, अभी एक हाथ से मेरे को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी जैसे इसमें तो ये आ गया, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे इसके अंदर हम ये चीज़ें हो गई, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, मतलब वही मैं अभी देख के अभी समझ ही रहा था, तो जैसे जैसे देखता रहूँगा आपको बताता रहूँगा। बाकी जो भी चीज़ आप देखो यहाँ से करो, तो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करने लगती है, और काफ़ी सीट भी अच्छी है, मतलब रिक्लाइनर सीट है, मतलब पीछे काफ़ी हो जाती है, तो आप आराम से अपना जर्नी इंजॉय कर सकते हो। बाकी इसको अगर वापसी लगा दें हम, यहाँ पर एक मिल जाता है चार्जिंग के लिए पोर्ट, यहाँ पर आपके वो लग जाएंगे ईयरफोन्स वगैरह, मतलब हेडफोन्स ईयरफोन्स जो भी आप लगाना चाहो। बाकी वेलकम अब्रॉड एमिरेट्स, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एमिरेट्स के साथ, तो देखते हैं कैसा रहता है। मैंने तो जितना सुना है अच्छा ही सुना है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अच्छा ही रहे। बाकी अभी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो और दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, टेक ऑफ कर चुके हैं, और ऐसा कुछ व्यू है बाहर से, बहुत ज़्यादा स्मॉग है तो नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी ये स्क्रीन वगैरह सही यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ से अभी हम चले हैं, तो ये पूरा आगे यहाँ तक जाएंगे, तो सही है ये चीज़ भी, और काफ़ी इसमें फीचर्स हैं, तो मैं तो वही देख रहा हूँ, तो टाइम पास हो रहा है सही। तो
गाइज़ खाना आ चुका है यहाँ पर, और खाने में यहाँ पर थोड़े से राइस वगैरह हैं, ये कुछ बन है और कुछ मीठे में है, बाकी अमूल बटर। यहाँ थोड़ी सी वाइन ले लिया मैंने और सामने अपना ये मूवी लगा लिया बोल बच्चन। बाकी यहाँ पर नेविगेशन भी लगा रखी है, पाकिस्तान के ऊपर कहीं उड़ रहे हैं अभी। और सही है ये, मतलब साइड वाली सीट खाली थी तो यहाँ पर ये लगा लिया और यहाँ पर मूवी चल रही है। बाकी बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, तो इस व्यू के साथ फटाफट से अपना ये ब्रंच ख़त्म करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये मुझे काफ़ी सही लगा, इसमें आप अपने हिसाब से मतलब जूम करके पर्सपेक्टिव वगैरह भी देख सकते हो और सही है। थोड़ा टाइम रहेगा, अभी यहाँ पर हैं अपन तो यहाँ जाना है बस। सो गाइज ये है एमिरेट्स इकोनॉमी क्लास का वॉशरूम, तो आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं ये हाथ वगैरह धोने के लिए, यहाँ पर एक शीशा मिल जाता है और ये मेन शीशा है। थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह यहाँ पर, लाइटिंग तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। बाकी अभी एक घंटा कुछ रह गया लैंड होने में, तो मैंने कहा फटाफट पहले वॉशरूम आता हूँ, खाना वगैरह भी ख़त्म किया था। तो वॉशरूम तो काफ़ी अच्छा है, नीट एंड टाइडी है, तो अब यहाँ से वापस सीट पे जाता हूँ और लैंडिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि लैंडिंग में काफ़ी अच्छे शायद शॉट्स आ सकें, क्योंकि दुबई में आपको पता है हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो वो कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी फटाफट अपनी सीट पर चलते हैं। तो गाइस दुबई पहुंच चुके हैं और अभी बैग वगैरह लेने जा रहा हूं, एक बार बैग कलेक्ट करता हूं और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं करके एक बार एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले यहां का ड्यूटी फ्री ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि अभी मैं T3 पे हूं दुबई एयरपोर्ट के, और T3 पे सिर्फ एमिरेट्स ही लैंड होती है और यहां का जो ड्यूटी फ्री है वो बिल्कुल मतलब अलग लेवल का है। तो फटाफट फॉर्मेलिटीज़ करके वहां चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। भाई तो ये है दुबई का ड्यूटी फ्री और यहीं जाना है अभी। अभी तो मैं ऊपर हूँ, यहाँ से आगे से जाके आऊँगा, तो यहाँ से मतलब दिख रहा था तो मैंने कहा एक बार यहाँ से दिखा देता और मैं भी खुद देख लेता हूँ। तो यार ये लग तो सही रहा है, चलते हैं फटाफट से यहाँ पर और एक बार बैग वगैरह का भी देखते हैं कि कहाँ से मिलने हैं। तो यहाँ से बेल्ट्स वगैरह शुरू हो गई हैं, तो आगे अपनी बेल्ट पता नहीं कौन सा नंबर है, आगे ही है, तो वहाँ चल रहे हैं। बाकी एक फ्री सिम के लिए था कुछ, तो वो कर लिया है, फ्री सिम भी मिल गई है यहाँ पर, और टूरिस्ट सिम है सबको ही, मतलब वो कंपलसरी टाइप ही है कि सभी ले रहे थे। तो गाइस बैग कलेक्ट कर लिया, फटाफट ड्यूटी फ्री में जाना है, लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि आगे पूरे आइटनरी बुकड है, तो फटाफट चलते हैं और वहाँ पे एक नज़र मार के निकलते हैं।